मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे संग्रहालय में एक बहुत ही भव्य पत्थर का एक पैनल है जिसमें कुछ मूर्तियाँ अंकित हैं और ये पैनल श्रृंगवेरपुर जो श्री राम से संबंधित है वो वो स्थल है जहाँ वो लंका से लौटने के बाद उन्होंने गंगा पार की थी अयोध्या की तरफ जब बढ़ रहे थे और ये एक ऐसा अद्भुत पैनल है जो पाँचवीं शताब्दी का पैनल है जिसमें आप देख सकते हैं कि राम लक्ष्मण जी उसमें बने हुए हैं और साथ साथ वानर सेना भी दिख रही है उसमें तो ये एक तरीके से पाँचवीं शताब्दी का होने का मतलब ये डेढ़ हज़ार साल पुराना ये पैनल है तो शिंगवेरपुर में जो उत्खंडन हुए हैं उसमें पहली शताब्दी का कुशान कालीन एक ब्रिक लाइन टैंक तालाब जो एक तरीके से पूरी तरीके से पक्की ईटों का लाइनिंग से बनाया गया वो मिला है जो एक तरीके से बहुत मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग कहेंगे क्यों तीन स्टेजेस में हैं और गंगा जी का पानी उसमें आता था पहले स्टेज में फिर दूसरे तीसरे में तो वो प्योरीफाई होता था तो ये भी हम लोग उसमें अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो गंगा जल आ, के लिए वो एक तरीके से आ, उसको एक शुद्ध गंगा जल उपलब्ध करने के लिए वो टैंक था और उसी जगह से ही जो अनुमान लगाया जाता है कि ये जो शिंगवेरपुर का जो आ, पैनल है जिसमें रामचंद्र जी आ, अंकित हैं उसमें बने हुए हैं वानर सेना के साथ ये उसी स्थल से ही, ही आ, हम लोग को मिला होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे पैनल जो हैं अभी तक कहीं मिले नहीं तो हैं तो, हाँ। तो, तो ये तो मतलब उस दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उसमें तो श्रृंगवेरपुर आपको पता है ऐसी जगह थी जहाँ उन्होंने गंगा जी पार की थी और उसी के बाद वो अयोध्या में उनका प्रवेश हुआ था तो अयोध्या से पहले तो श्रृंगवेरपुर है और श्रृंगवेरपुर में ही जो है जब गंगा पार करके वो आए तो उधर ही जो है उत्सव जो है मनाना शुरू हो गया होगा उसके बाद तो अयोध्या की तरफ बढ़ते गए और जिसके हम लोग दीपावली जो है मनाते हैं ये इस माने में उनके साथ वानर सेना थी मतलब वानर सेना तो उनके साथ बाद में जुड़ी है ना तो वो लगभग लग तो वापसी का सीन है तो ये देखते हुए तो ये बिल्कुल जोड़ा जा सकता है कि दीपावली के साथ और बहुत ही अच्छी तरह जोड़ा जा सकता है और शिंगवेरपुर में मैं समझता हूँ कि दीपोत्सव जो मनाया जाता है वो तो पहले शिंगवेरपुर में मनाया जाना चाहिए उधर ही उन्होंने गंगा पार की उधर भी उत्सव होना चाहिए तो देव दीपावली से भी जोड़ा जा सकता है हाँ बिल्कुल जैसे मैंने कहा देखिए आपको एकदम मतलब लगभग डायरेक्ट कनेक्शंस जो जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इसमें जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट इसमें इस्टेब्लिश होता है कि जो पैनल है वो रामचंद्र जी की जो पूरी गाथा है वो उस पीरियड उस पॉइंट की बात कर रहा है जब वो वनवास में जा रहे थे उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा वो पैनल चूंकि बानर सेना अंकित है तो वो दिखा रहा है कि ये शिंगवेरपुर में जब वो लंका से विजय प्राप्त करके लौट रहे थे उसी के बाद वो शिंगवेरपुर पे आए वो दिखा रहा है ये पैनल तो वो बिल्कुल जिसको कॉन्टेक्स कहते हैं कि देखिए पुरातात्विक ऐसी उपलब्धियां तो बहुत कम होती हैं और हमारे संग्रहालय में हैं ऐसे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं तो इससे तो कई चीज़ों से तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है